श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता सरल हिंदी, लेखक महंत श्री जतिराज बाबा जी महानुभाव जानते। अध्याय 18 भाग दूसरा, श्लोक संख्या कुल 78। हे अर्जुन, अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के जो स्वाभाविक कर्म है वह सुनो। मन और इंद्रियों को वश करना, ईश्वर की भक्ति करनी, साधु महात्मा और गुरु की सेवा करना, सर्दी गर्मी आदि दुखों को सहन करना, काम क्रोध को जीतना, किसी के साथ विरोध नहीं करना, किसी जीव जंतु को दुख नहीं देना, नम्रता और अहिंसा से रहना, ब्रह्म विद्या ज्ञान को प्राप्त करना, उस ज्ञान के अनुसार आचरण करना, ईश्वर पर भरोसा रखना, यह सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। जिस ब्राह्मण के ऐसे कर्म नहीं है वह ब्राह्मण अपने धर्म से पतित जाए। अब क्षत्रिय के कर्म सुनो। शूरवीर और तेजस्वी रहना, सब बातों में समझदारी का होना और हौसला रखना, युद्ध में पीछे नहीं हटना, सुपात्र को दान करना, ईश्वर पर श्रद्धा रखना, प्रजा की रक्षा करना, यह सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। अब वैश्य के कर्म सुनो। खेती करनी, गौओं का पालन करना, रोजगार धंधा करना, यह वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और लोगों की सेवा करनी, यह शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। इस प्रकार अपने अपने कर्म में लगा हुआ पुरुष कर्मों की सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात ब्राह्मण को ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय को राज की प्राप्ति होती है, वैश्य को धन की प्राप्ति होती है और शूद्र को अन्न वस्त्र की प्राप्ति होती है। जिस ईश्वर से यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जो ईश्वर इस सारे जगत पे व्याप्त है, उस ईश्वर का ब्रह्म विद्या के अनुसार भजन पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, दूसरे देवी देवताओं का धर्म कर्म पूरा पूरा आचरण हो सके और अपना जो ईश्वर का धर्म कर्म पूरा आचरण ना भी हो सके, जितना हो सके उतना ही कल्याणकारक होता है, क्योंकि ईश्वर का धर्म कर्म, ईश्वर का भजन पूजन थोड़ा होने से भी कोई पाप नहीं होता, और इस देवी देवताओं का धर्म कर्म थोड़ा होने से प्रत्यवाय के नरक होते हैं। हे पार्थ, अपना अर्थात ईश्वर का धर्म कर्म आचरण करने से यदि कुछ कष्ट भी प्राप्त होवे तो भी अपने प्रभु के धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई धर्म कर्म नहीं है जिसमें प्राणी को कष्ट नहीं होता। जैसे अग्नि में धुआं मिला रहता है, उसी प्रकार सभी धर्म कर्मों में थोड़ा बहुत कष्ट जरूर प्राप्त होता है। ऐसा समझकर प्राणी अपने ईश्वर के धर्म कर्म को कभी ना त्यागे। हे अर्जुन, जिस प्राणी को किसी वस्तु की इच्छा नहीं, किसी से ममता नहीं और जिसका जीवात्मा अपने वश में है, ऐसा जो त्यागी पुरुष है उसको मेरे निर्गुण ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जिस पुरुष को मेरा ज्ञान प्राप्त होता है उसको मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है सो सुनो। जिसकी बुद्धि निर्मल है, जिसने मन को वश कर लिया है और सब प्रकार के विषय सुख त्याग दिए हैं, जिसका किसी के साथ मोह नहीं और किसी के साथ विरोध नहीं, जो मेरा आसरा लेकर एकांत स्थान पर निवास करता है, थोड़ा भोजन करता है, इंद्रियों को जीत कर मेरी मूर्ति का हृदय में ध्यान करके मेरा स्मरण करता है, किसी को दुख ना देकर नम्र भाव से रहता है, ऐसा काम क्रोध से रहित वैराग्यशील शांत पुरुष मेरे परम आनंद को प्राप्त होता है। ऐसा जो पूर्ण ज्ञानी है वह ना किसी बात की सोच करता है, ना इच्छा करता है, सारे जगत को एक समान जानता है, ऐसे पुरुष को मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, मैं पर ब्रह्म हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सारे जगत का प्रभु हूँ। इस प्रकार मुझको जानकर जो मेरी निर्गुण भक्ति करता है वह पुरुष मुझको प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो पुरुष मेरा आसरा लेकर मेरे ज्ञान के अनुसार सब प्रकार का धर्म कर्म करता है, उस पर मैं पूर्ण कृपा करता हूँ, उसे पूर्ण सुख देता हूँ। इसलिए हे प्यारे, तुम
तुम भी सब कर्म मेरे अर्पण करो, मेरा ही ध्यान करो, मेरे ज्ञान का सहारा लेकर मन को मेरे अर्पण करो। इस प्रकार सब कर्मों को मेरे अर्पण करने से और मेरे में चित लगाने से तुम इस दुख रूपी संसार से पार हो जाओगे। यदि तुम अभिमान करके मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। और भी सुनो, यदि तुम अभिमान करके कहोगे कि मैं युद्ध नहीं करता तो यह तुम्हारा कहना झूठ होगा, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म का जो स्वभाव है वह तुम्हारे से जरूर ही युद्ध कराएगा। हे कुंती पुत्र, तुम्हारे क्षत्रिय स्वभाव ने तुमको बांध रखा है। इन संबंधियों के मोहजाल में फंसकर जो काम तुम करना नहीं चाहते वह तुम अपने क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म के वश होकर अपने आप करोगे। हे अर्जुन, मैं सर्वव्यापक हूँ, संपूर्ण सृष्टि के अंदर मेरा निवास है। मेरी माया इस जगत के सभी जीवों को कला की पुतलियों की न्यायी घुमा रही है। हे भरत वंश के राजा अर्जुन, तन मन धन से तुम मेरी शरण में आओ, फिर मेरी कृपा से तुम मेरे परम आनंद अविनाशी पद को पाओगे। हे प्यारे, यह जो गूढ़ से भी गूढ़ ज्ञान मैंने तुमको बतलाया है, इस यथार्थ ज्ञान को तुम अच्छी तरह से विचारो, फिर जैसा मन में आए वैसा करो। हे पार्थ, गूढ़ और गुप्त मेरा श्रेष्ठ वचन तुम फिर सुनो, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे हो, इसलिए मैं तुम्हारे भले की बात कहता हूँ। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो, मेरे को ही नमस्कार करो, इस प्रकार तुम मेरे सच्चे भक्त बनोगे तो फिर तुम मुझको जरूर ही प्राप्त करो। हे अर्जुन, जगत के अंदर नाना प्रकार के जितने भी धर्म हैं इन सब धर्मों का त्याग करो, क्योंकि यह मुक्ति देने वाले नहीं हैं, इसलिए तुम मेरी शरण में आओ। मैं सबका परमेश्वर हूँ, किसी बात की चिंता ना करो, मैं तुम्हारे सब पाप भरूंगा और अपने परम आनंद स्वरूप में मिलाऊंगा। हे अर्जुन, एक बात और भी सुनो, यह जो मैंने अपना गुह्य ज्ञान तुमको बतलाया है, इस ज्ञान को तुमने उन लोगों से नहीं कहना जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, जो प्रेम से सुनना नहीं चाहते, जो मेरी निंदा करते हैं, जो गुरु भक्ति से रहित हैं, जिन्होंने मेरे अर्पण कभी कुछ दान धर्म नहीं किया, ऐसे पापी लोगों को मेरा यह श्रेष्ठ धर्मशास्त्र कभी नहीं कहना। यदि मेरी इस आज्ञा का तुम उल्लंघन करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। जो प्राणी मेरा यह गूढ़ शास्त्र मेरे भक्तों को सुनाएगा, मेरी भक्ति की महिमा करेगा, वह मेरा प्यारा भक्त जरूर ही मुझको प्राप्त होगा। जो प्राणी इस गीता शास्त्र को पढ़ते सुनते हैं उनसे बढ़कर मुझको प्रसन्न करने वाला कोई नहीं है और ना कोई उनसे अधिक प्यारा होगा। हे अर्जुन, यदि कोई प्राणी तुम्हारे इस धर्म संवाद को नित्य प्रति पढ़ता है तो मैं समझता हूँ कि वह पुरुष मेरा ज्ञान यज्ञ से पूजन करता है। ऐसे प्यारे भक्त की मैं हर घड़ी सहायता करता हूँ। मैं प्रतिज्ञा से कहता हूँ कि ऐसे भक्त को मैं कभी नहीं भुलाता। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति वाला निंदा से रहित होकर इस गीता शास्त्र को पढ़ता सुनता है, वह प्राणी पापों से मुक्त होकर अति उत्तम पुण्यवान लोगों को प्राप्त होता है। और जो प्राणी इस गीता शास्त्र को पढ़ सुनकर इसके अनुसार आचरण नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि यह मेरी ठट्ठा मस्करी करता है। ऐसे पापी प्राणी पर शन शन विघ्न आते हैं, उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, तुमने मेरा यह निर्गुण ज्ञान एकाग्र मन से सुना है कि नहीं? अभी तुम्हारा अज्ञान मोह दूर हुआ है कि नहीं? श्री भगवान जी के वचन सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे महाराज, हे अविनाशी, आपकी कृपा से मेरा ज्ञान दूर हो गया है, भ्रम दूर हो गया है, आपका निर्गुण ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा, शीश निवाकर आपकी आज्ञा पालन करने को तैयार खड़ा हूं। संजय ने राजा धृतराज से कहा कि हे राजन, भगवान वासुदेव का और सद्भक्त अर्जुन का धर्म संवाद सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। सबके ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने साक्षात
मेरे सामने अपने मुख से कहा हुआ गुप्त और गूढ़ ब्रह्म विद्या योग शास्त्र मैंने व्यास देव की प्रसन्नता से अपने कानों से श्रवण किया है। हे राजन, श्री कृष्णचंद्र जी का और अर्जुन का पुण्यकारक धर्म संवाद है, इसको बार बार स्मरण करता हूँ, अपने मन में अति प्रसन्न होता हूँ। हे राजन, जब मैं श्री हरि के उस विराट स्वरूप को स्मरण करता हूँ तब मुझे बड़ा भय होता है और आश्चर्य होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे राजा धृतराष्ट्र, अब मेरी आखिरी बात सुनो। जिस तरह योगियों के परमेश्वर श्री कृष्ण देव जी हैं और धनुषधारी अर्जुन है, उसी तरफ लक्ष्मी अटल रहेगी, उसी तरफ सब प्रकार का ऐश्वर्य रहेगा, उसी तरफ नीति धर्म रहेगा और उसी तरफ विजय प्राप्त होगी, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। क्योंकि तुम्हारे पापी पुत्र दुर्योधन ने श्री कृष्ण देव जी की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए वह जरूर ही मारा जाएगा, और अर्जुन ने भगवान की आज्ञा मानी है, इसलिए उसी की जय होगी, यह निश्चित जानो। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टदशो अध्याय। 18वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। श्री कृष्णार्पणस्तु।